मार्च निकाला गया है। वैसे तो जिले भर में निकाला गया है, बहादुरगढ़ में भी निकाला जा रहा है फ्लैग मार्च, और मेवात में जिस तरीके से घटना हुई है उसको लेकर ये फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। क्या मैसेज आम जन को दिया जा रहा है? डॉक्टर अर्पित जैन आईपीएस पुलिस अधीक्षक जज्जर के गाइडलाइंस में जो पल पल हर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और उनके ज़िले में शांति व्यवस्था कायम रहे उसको मद्देनज़र रखते हुए आज शहर जज्जर में एसएचओ सिटी जज्जर, एसएचओ सदर जज्जर, सीआईए जज्जर, एसएचओ महिला जज्जर और एसएचओ दोजाना की फोर्स के साथ पूरे शहर जज्जर में पैदल व गाड़ियों में फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि लोगों में एक के भय का माहौल ना पैदा हो और शांति व्यवस्था कायम रहे। सोशल मीडिया को लेकर भी कोई गाइडलाइंस जारी की गई सर? हम आपके जो चैनल हैं वो एक कड़ी का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि लोग किसी भी प्रकार की जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान न दें और अपना शांति बनाए रखें, और फिर भी किसी के अड़ोस पड़ोस में किसी प्रकार का कोई उपद्रव या गलत असामाजिक तत्वों द्वारा कोई किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, पुलिस तुरंत पहुंचकर उसका निदान करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।